हाय गाइस, तो आज हम जावा यूज करने वाले हैं। तो पहले आपको विंडो प्लस आर की को दबाना है, उसके बाद डायलॉग बॉक्स में सीएमडी टाइप करना है, फिर हम कमांड लाइन पर आ जाएंगे, फिर आपको कमांड प्रॉम्प्ट में ये टाइप करना है। इसके बाद हमें माय कंप्यूटर में सी ड्राइव में फिर जावा में, जावा के अंदर आने के बाद जेडीके फोल्डर का पूरा नाम कॉपी करना है। इसके बाद कमांड प्रॉम्प्ट में पेस्ट कर देना है। और एंटर दबाना है। फिर सीडी स्लैश लिखकर बिन टाइप करना है और एंटर दबाना है। फिर स्टार्ट में जाके नोटपैड ओपन करना है। नोटपैड ओपन करने के बाद जावा का प्रोग्राम टाइप करना है। उसके बाद फाइल में जाके सेव एज के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद सी ड्राइव में जाना है, फिर जावा में, फिर जेडीके फोल्डर में, उसके बाद बिन फोल्डर में आने के बाद फाइल को डॉट जावा के एक्सटेंशन के साथ सेव करना है। फिर कमांड प्रॉम्प्ट में आ जाना है और फाइल को कंपाइल करने के लिए जावा सी स्पेस और फाइल का नाम एक्सटेंशन के साथ टाइप करके एंटर दबाना है। प्रोग्राम को रन करने के लिए जावा स्पेस फाइल का नाम टाइप करें। इसके बाद प्रोग्राम रन हो जाएगा और आउटपुट नीचे आ जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें।